अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमामुद्दीन। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने मुंबई एक्सप्लोर कर लिया, हो सकता है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अभी हमारा प्लान है मुंबई टू दिल्ली, जहाँ पे गुजरात होते हुए हम दिल्ली जाएंगे और अजमेर में हमारा वन डे स्टे होने का प्लान है। अराउंड 1420 किलोमीटर दिल्ली दिखा रहा है यहाँ से, मुंबई से। तो हम 800 या 900 किलोमीटर आज की जर्नी करेंगे और जहाँ भी हमें पॉसिबल लोकेशन मिलेगा जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं वहाँ पे हम स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे ताकि हम अजमेर भी कवर कर सकें, फिर दिल्ली रीच हो जाएं कल तक इंशाल्लाह। माहिम से निकलते ही हमने वेस्टर्न एक्सप्रेस ले लिया था, जो नेशनल हाईवे 48 को कनेक्ट करता है, गुजरात जाता है सूरत के होते हुए। सूरत एक सिटी है। तो अभी ऑलमोस्ट हम 50-60 किलोमीटर छोड़ चुके हैं मुंबई को। वेस्टर्न हाईवे कंप्लीट ख़त्म हो गया। अभी नेशनल हाईवे 48 एंटर किए हैं। इंशाल्लाह रास्ते अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज ही मैं राजस्थान पहुँच जाऊँगा। और रात 10 बजे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट महाराष्ट्र घाट सेक्शन, हिल स्टेशन और फ्लाईओवर से कवर हुआ है। हर जगह आपको हिल स्टेशन मिलेंगे। हिल स्टेशन का मतलब ये है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिससे सुरंग बनी है, कटिंग करके रास्ते बनाए गए हैं कि या तो फ्लाईओवर है। और आज जर्नी में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि महाराष्ट्र में स्पेशली अगर रास्ता क्लियर नहीं है, मतलब हाईवे डैमेज है, हाईवे उतना क्लियर नहीं है, तो आपको वहाँ पे टोल तो रहेगा पर टोल चार्जेस नहीं है। ये मैंने नोटिस किया। अस्सलामुअलैकुम, हमने सक्सेसफुली अच्छा खासा लंच कर लिया आराम होटल में, जो मैंने दिखाया था आराम होटल। ओके, वहाँ पे वेज खाया, प्योर वेज। ओके, पंजाबी थाली खाया। अभी हमारा डिस्टेंस है अराउंड 917 किलोमीटर अजमेर दरगाह के लिए, और मैंने फ्यूल अप भी करा लिया था। 739 किलोमीटर अभी चलता है। और दूसरी बात, मैं 14.7 किलोमीटर एन एवरेज व्हीकल आ रहा है, तो वजह यह है कि मैं क्रूज कंट्रोल यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ज्यादातर कर्व्स हैं उसकी वजह से, लेकिन रास्ता तो बहुत अच्छा है। तो अभी चलते हैं 5 या 4 बजे, फिर एक चाय ब्रेक लेंगे, फिर मिलते हैं। फाइनली एक चाय ब्रेक के लिए हम रुके हैं। 5:15 हो रहा है टाइम और बचा है डिस्टेंस 686 किलोमीटर अजमेर के लिए। ओके, सो अभी फ्यूल 763 किलोमीटर चल सकती है। जिस होटल पे अभी हम चाय ब्रेक लिए हैं उसका नाम है दर्शन। ओके, दर्शन होटल बोल के जहाँ पे हम चाय पियेंगे और 5-10 मिनट्स का एक नैप ले सकते हैं या तो ब्रेक ले सकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स ख्वाजा गरीबुल नवाज। ब्रेक के लिए होटल दर्शन में कार पार्किंग आराम से मिल गई है, एक एडवांटेज है हाईवे में।
पता नहीं शायद एक गुजरात का है, हर होटल पे आपको अच्छी तरह पार्किंग मिल जाएगा। और हम रिटर्न होने से पहले वहाँ का वॉचमैन या कोई भी कीपर ना ग्लास क्लीन कर देते हैं। अभी मैं बच्चे के दूध के लिए आया था। ओके, ये है रवि जोशी भाई, जो क्लोज होने के बावजूद भी फ्रिज में से दूध निकाला और गर्म करके अपने हाथ से ठंडा करके दे रहे हैं। ये गांव के नाम मोड़ासा, ये मोड़ासा के सर्कल में इनका होटल है। ओके, कभी भी अगर कोई दोस्त इधर आए तो जरूर इनके होटल पे विजिट करना, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत दिल से बात करते हैं। थैंक यू भाई। जैसे ही उदयपुर की शुरुआत होती है हमें देखने को मिलता है ऐसा फोर लाइन वाला हाईवे जहाँ पे नो ट्रैफिक और जबरदस्त नो हडल वाला रास्ता, बहुत मजा आ रहा है चलाने में। रात के 11 बजे जय भवानी होटल में चाय की चिट्ठी के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात के 3 बजे अजमेर पहुंच गए थे दरगाह के लिए। Thank you.